राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें उन्हें भारतीय ध्वज तिरंगा को हटाने के लिए बोलते सुना जा सकता है। ये वीडियो उस क्लेम के साथ शेयर किया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद तिरंगे को हटाने के लिए बोल रहे हैं। इस वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि एक शख्स भारतीय ध्वज को हटा रहा है, जिसके साथ राहुल गांधी भी भारतीय झंडे को हटाने के लिए बोलते हैं। हमने इस वीडियो की पड़ताल की, हमें ये पता चला कि ये वीडियो एडिटेड है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। असल में अभी कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक अपलोडेड वीडियो मिला। ये वीडियो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का था, जिसे महाराष्ट्र में जारी किया गया था। वीडियो में वो केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला कर रहे थे। इसी दौरान वो भाषण में नीचे से एक व्यक्ति को अपनी कार में बुलाते हैं और एक एक्ट के माध्यम से पीएम मोदी और गौतम अडानी पर तंज कसते हैं। वो एक्ट के दौरान लोगों से एक छड़ी मांगते हैं, तभी भारतीय ध्वज लिए एक व्यक्ति छड़ी में से तिरंगा अलग करने लगता है और इतने में दूसरा व्यक्ति उनको एक दूसरी छड़ी थमा देता है। हमने ये नोटिस किया कि इस पूरे एक्ट पे राहुल गांधी ने ना तो तिरंगे को हटाने की बात की, ना ही उनके द्वारा अपमान करने जैसी कोई बात हुई। इस वीडियो में हम 10 मिनट से 12 मिनट के बीच वायरल वीडियो वाले दृश्य देख सकते हैं, जो ये साफ करते हैं कि उनके वायरल वीडियो को पूरे तरीके से फेक तरीके से फैलाया गया है।